प्रयागराज मेजर ध्यानचंद सिंह. ही इज कॉल्ड विजर्ड, ही इज कॉल्ड मैजिशियन. उनकी हॉकी में जब बॉल ऐसा लगता था चेपक गई, कई बार लोगों ने उनको ऑब्जेक्शन किया कि इनकी स्टिक चेंज करो. एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ द फील्ड हॉकी. आप लोग क्योंकि हॉकी नहीं खेलते हैं जहां आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है. आजकल की जो हॉकी है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो लंबे लंबे पास खेलते हैं और इसीलिए वो डोमिनेट भी हो रहे हैं. लेकिन अर्लियर फील्ड हॉकी वॉज इंपॉर्टेंट कि ड्रिबल करके बॉल को आगे ले जाया जाता था. तो इट वॉज ध्यानचंद हु रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द बॉल. और तीन चार लोग उनके यानी अपोनेंट होते थे लेकिन फिर भी बॉल स्नैच नहीं कर पाते थे. सच ए मैजिकल पर्सन ही वॉज. बेसिकली ही ज्वाइंड इंडियन आर्मी. लेटर ऑन ही प्लेड 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल मिला. 1928, 1928, 1932 और 1936. वो हमारे देश का ना स्वर्ण काल था, जिसको आप हिंदी में स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हॉकी. अभी हम थोड़ा सा ब्राइज कर रहे हैं, बीच में फॉल हो गए थे. लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में हमको ब्रॉन्ज मिला है. तो दिस इज अ रे ऑफ होप. बट दैट टाइम वी वर डोमिनेटिंग, एब्सोल्यूट डोमिनेशन था. ध्यानचंद जी के बारे में अगर मैं जितना भी बोलूंगा तो वो बहुत कम रहेगा. ही यूज टू प्रैक्टिस अंडर मूनलाइट. मूनलाइट में प्रैक्टिस करते थे वो. एंड आपको कम से कम उनके डिसिप्लिन से, उनकी प्रैक्टिस से और उनका नेशन के लिए जो उनका लव था, जो उनका डेडिकेशन था, यू नो व्हाट हैपेंड. जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर, ही टोल्ड ध्यानचंद, ध्यानचंद कम टू जर्मनी, वी विल गिव यू जर्मन सिटीजनशिप. And not only that, we will make you field marshal. हम आपको field marshal का एक यानी job दे देंगे, आपको इतना बड़ा सम्मान मिलेगा. ध्यानचंद said no. I am Indian. I'll play for India. I'll work for India. एक बार ध्यानचंद के लिए जोरदार ताली. Thank you. फिर हमारी सरकार ने उनको पद्मभूषण दिया, उनको भारत रत्न दिया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया चलाया. तब से ध्यानचंद जी के यानी 29 अगस्त को ही 2018 में खेलो इंडिया चला. अब खेलो इंडिया गांव-गांव में है, गांव-गांव में कंपटीशन हो रहे हैं. और हम भी भले ही हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी टैलेंट बाहर निकले. इसलिए हम आपके डिफरेंट जितना भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें कोशिश करते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू, रादर सजेस्ट यू कि आप जो भी आपकी स्पोर्ट्स टैलेंट है उसको आप बाहर लाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. क्योंकि स्पोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू. जितनी आपके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है, खाना पीना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है. तो आज का जो कार्यक्रम है, जैसे जैसे हिमांशु और मनीषा आपको बताएंगे वैसे वैसे करेंगे. आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट दिस इज अ ग्रेट डे. और ये दिन हम स्कूल में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमने पहले भी कुछ इंटर हाउस इवेंट्स करवाई हैं, आज भी हम करवा रहे हैं. बट दिस इज रियली द प्राउड कि हमारे लिए, कि हमारी कंट्री. और एक अच्छी बात कि हमारे जो पैरालंपिक्स हैं वो पेरिस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कल से पैरालंपिक भी शुरू हो गया. लास्ट टाइम हमारे 20 मेडल्स थे, इस टाइम हम और कुछ ज्यादा यानी कोशिश करेंगे. तो पैरालंपिक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे विल ऑल्सो ब्रिंग द लॉरल टू द कंट्री. तो दिस इज द वंडरफुल ओकेजन एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस. आई कॉन्ग्रेचुलेट दोज हु आर टेकिंग पार्ट. डिसिप्लिन में रहना, जहां आपको बैठने को बोला जाएगा वहां बैठना है, जहां पे कोर्ट पे मैच हो रहे हैं वहां नहीं जाना है. एंड यू एंजॉय. ओके, थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड. नेट नेट फॉल्ट हुआ है, बॉयज की तरफ से फॉल्ट हुआ है. यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द नेट ऑल्सो. 8-5, 9-5. Continuously teachers are leading. We want to see the third game, I think. Very good. Defended for... Ten five. Continuous, very very good. Now teachers are charged up.
The world is coming to its power now. सर्विस बहुत डीप हो रही है. वेरी गुड. प्लेसिंग जजमेंट अगेन. द जजमेंट इज गिविंग देम एज 11-5. 11-5. ये सर्विस रोटेशन नहीं. अच्छा कंटिन्यू हो रहा है. ओके ट्वेल्व फाइव. वेरी गुड. वेल डन टीचर्स. Very good. बहुत बढ़िया. Very good. Defend the match. बहुत बढ़िया. Yes. Oh, the point gone. Change. Service change. 5-6-12. Hit it powerfully. Well placed. Six, seven.